ओम शांति। 30/8/2020 आज की मुरली से चारों सब्जेक्ट के मुख्य बिंदु। अव्यक्त बाप दादा 13/3/86 सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। ज्ञान, विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी आप बच्चों के साथ है। सबसे बड़ी परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी है। साधारण को महान बनाना, निर्बल को बलवान बनाना, अनपढ़ को नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पार्ट है। विश्व की सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने बाप आए हैं। योग, विश्व की आत्माओं को अभिश्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। जितना शरीर से दूर रहते हैं विदेशी, उतना ही विशेष बाप का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है। सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट तक राज्यों की विशेषता का आवाज फैलाना, यह गयाना वालों ने कर दिखाया है। गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न तो करती रही ना। धारणा, चारों ओर हलचल के बीच विश्व के कोने में आप विदेशी अचल अडोल आत्माएं रहे हो। दुनिया भय के बीच है, आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते हो। प्यार से की गई मेहनत मेहनत नहीं लगती है। बच्चे सदा अविनाशी खुशी में नाचने वाले हैं। सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से बोले जिससे न्यारापन और प्यारापन दोनों अनुभव हो। सेवा के लिए बाबा ने कहा, हरेक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। अनुभव के अथॉरिटी से सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाप दादा को सभी बच्चों को देखकर खुशी होती है। सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। सेवा के बिना यह ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। बच्चे सेवा में बिजी रहते हैं। आप सभी विदेशियों को देख सब खुश हो रहे हैं। कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़ी माला हमें तैयार करनी है। बाप दादा सभी देश के सेवा केंद्रों की वृद्धि की रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। सेवा की सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। ओम शांति।